आज से कुछ दशक पहले तक 13-14 साल की लड़कियां जो देखने में ऐसी लगती थी, आजकल उसी एज की लड़कियां ऐसी हो जा रही है। उसकी वजह से भी प्यूबर्टी आती है और ये बच्चियां इतनी छोटी होती है आचार्य जी कि ये अपने कपड़े तो ढंग से पहन नहीं पाती, तो ये हर महीने पैड्स कैसे बदलेंगी। हम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं अपनी बच्चियों के साथ। Kids as young as 4 years old are starting puberty. Melissa McCready has this health alert. A new study out today finds girls in this country are starting puberty. इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर दो फोटोज देख रहे हो, पर उन दोनों फोटोज में एक चीज कॉमन है, वो है इन दोनों लड़कियों की एज। इन दोनों लड़कियों की एज सिमिलर है, पर आप देख सकते हो कि 2024 वाली लड़की 80s वाली लड़की से कुछ ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। ये बात नोट करने वाली है, जब आप अपने बचपन की फोटोज एल्बम्स में देखते हो तो आपको भी ऐसा फील होता होगा कि उस वक्त जो आपकी एज थी, आज के बच्चों की वो एज नहीं दिखाई देती, वो उनसे ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में अपने हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों की एज बढ़ रही है या फिर ये एक जेनेटिक बदलाव है। पर एक बात नोटिस करने वाली और है जो वाकई में परेशान करने वाली है और हैरान करने वाली है। हमको देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से डेथ का रेशियो बच्चों में काफी। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? Young men and women dying. Heart attacks in youngsters have become increasingly common. Why heart attacks are suddenly claiming? यानी कि आप देख रहे होंगे महज 12 से 14 साल के बच्चे हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो, तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? और ये सारे सिम्टम्स जो बुढ़ापे के थे, वो सारे सिम्टम्स कैसे आज के जेंजीज में, आज के यंग जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं? जैसे गंजापन, सफेद बाल, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम, कब्ज जैसी ऐसी तमाम बीमारियां जो केवल बुढ़ापे में बुजुर्गों को हुआ करती थी, बुजुर्गों की एक ऐसी बीमारी जिसको कहा जाता था कि आप बूढ़े हो चुके हो और ये सिम्टम्स है बुढ़ापा का, वो सिम्टम्स जेंजीज में दिखाई देते हैं और कॉमन दिखाई देते हैं। आजकल के बच्चों में बॉडी पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो भारत में एक सर्वे कंडक्ट कराया गया। अमेरिका की एजेंसी ने भारत में आकर रैंडमली कई शहरों से लड़के और लड़कियों का सैंपल लिया और उसे टेस्ट किया, तो एक हैरान करने वाली बात रिपोर्ट में सामने आती जिसको आप देख सकते हो कि ये है एक यंग बंदे का पोस्चर और ये है एक ओल्ड मैन का पोस्चर। अब आप देख सकते हो इस हेल्दी पोस्चर में और इस ओल्ड पोस्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जबकि 2000 बॉर्न के पहले के बच्चों में अगर उनका पोस्चर देखा जाए, जो कि 80s में या 90s के बॉर्न थे, उनका जब पोस्चर देखा गया तो उनका पोस्चर ठीक था। आप देख सकते हो कि ये पोस्चर कैसे बदले हैं। 2002 के बॉर्न, 2000 के बॉर्न वाले बच्चों के पोस्चर क्यों इतने ज्यादा वीक और एक बूढ़े व्यक्ति जैसे दिखाई दे रहे हैं? शायद उसका रीजन मोबाइल हो सकता है, क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों को मोबाइल की आदत डाल देते हैं और वो मोबाइल को कंसिस्टेंसी के साथ झुक कर देख रहे होते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, उसकी वजह से शायद उनके बॉडी का पोस्चर खराब हो रहा, उनके रीढ़ की हड्डी झुक रही है। और यही देखते हुए एक और सर्वे कंडक्ट कराया गया। अब ये सर्वे था लड़कियों के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स को लग रहा था कि लड़कियां प्यूबर्टी एज लाइन क्रॉस कर रही हैं, इसी वजह से उन्होंने रेंडमली कई लड़कियों को लिया और उनका सर्वे कराया। सर्वे में जो बात सामने आई, वो बात पहले से साइंटिस्ट और डॉक्टरों को क्लियर थी। प्यूबर्टी एज लाइन 2 से 3 साल घट गई थी। दरअसल प्यूबर्टी एज लाइन पहले लड़कियों में 13 या 14 में हुआ करती थी, जो कि 3 साल घटकर 11 और 12 के अंदर ही हो गई थी, जो कि बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है। प्यूबर्टी एज लाइन बहुत जल्दी बढ़ जाने की वजह से लड़कियों में पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, उनके ब्रेस्ट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। प्यूबर्टी एज लाइन क्रॉस करने की वजह से 13-14 साल तक आते आते लड़कियों के वयस्क सिम्टम्स दिखाई देने लग जा रहे हैं, जो कि 17-18 साल की बच्चियों में या लड़कियों में होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। आखिर क्या रीजन है कि प्यूबर्टी एज लाइन
डिक्लाइन बढ़ रही है लड़के और लड़कियों में, और क्या रीजन है कि उनके अंदर बुढ़ापा जैसे सिम्टम्स बहुत जल्द आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि खान पान का इशू हो, क्योंकि हर चीज पेस्टिसाइड्स डालकर और खाद डालकर दी जा रही है हमें। और दूसरा रीजन मोबाइल हो सकता है कि हमारा कोई भी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी शायद उस एज को क्रॉस करने के पहले ही हम ऐसे कई बीमारियों से घिर जा रहे हैं। तो ऐसा कई रीजन हो सकते हैं जिसपे अभी भी डॉक्टर सर्वे कर रहे हैं, कई सर्वे कंडक्ट करा रहे हैं, और ये एक चिंता का विषय जरूर है।